जो हमारा पिछले वर्ष सितंबर तक राजस्व वसूली हुआ था वो 575 करोड़ था और इस बार एक हजार चौतीस करोड़ हमने प्राप्त कर लिया 80 परसेंट का अचीवमेंट है हमारा और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम डबल करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं पूरा सपोर्ट और कोऑपरेशन मिलेगा तो ये लक्ष्य मेरा जबरदस्त आगे बढ़ेगा आज इसी को लेके सेकेंडरी लोडिंग प्वाइंट को हम लोग चेंज करके के लाइसेंस पॉइंट बनाने जा रहे हैं ताकि उसकी लेखा जोखा ठीक ढंग से हो सके जो पिछले बार बालुओं का पहाड़ बना दिया था और हमारे नियमावली के खामी का लाभ उठाया था वो इस बार नहीं होगा बालू का अवैध खनन रोकने के लिए हम लोग कमांड कंट्रोल जो बनाए हैं उसके अंदर भी कई तब्दीली कर रहे हैं सभी घाट पर बैनर लगवा रहे हैं बंदोबस्त धारी के चौहदी भी काम शुरू करने के पहले तय करा देंगे और जिसका बंदोबस्ती नहीं हुआ है जहां से अवैध खनन ज्यादा होता है वहां भी सरकारी बैनर बना करके हमारे पदाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसका बगल के जो बंदोबस्तधारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन होगा तो वो इमीडिएट हमारे पदाधिकारी को सूचित करेंगे ड्रोन से सबका एक सर्वे करा लेंगे काम शुरू होने के पहले इस तरह से हम लोग पूरी नजर रख रहे हैं कि जो बंदोबस्तधारी सही काम करेंगे उसको कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होने देंगे उसको सारी सुविधा फैसिलिटी और सुरक्षा हम प्रदान करेंगे इसको लेकर के हम पुलिस महकमा के साथ भी बैठक करेंगे ताकि हमारी पदाधिकारी को हर जिले में पूरी पुलिस और सहयोग मिले और आज जिस तरह के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त किया है खनन विभाग के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के देख रेख में ये विभाग और बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहा है मैं दशहरा के बाद खुलासा करूंगा कि कांग्रेस और राजद के लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरह से इनका खेल होता है प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि ये माफियाओं को संरक्षित करने वाला जमात है आतंकवादी उग्रवादी अपराधी भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाला जमात है और ये लोग देश को खोखला कर रहा है दीमक की तरह पूरे समाज के सामाजिक समरसता को राष्ट्रवाद की ताकत को यह कमजोर करने में पूरी शक्ति लगाता है कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन राजद जैसे लोक की जमात इनको राष्ट्र की मजबूती से मतलब नहीं है सामाजिक सद्भावना और सौहार्द से मतलब नहीं है जातीय उन्माद पैदा करके धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता हासिल करना और राष्ट्र को कमजोर कर लोगों को बांट करके अपनी परिवारवाद की जमीदारी बढ़ाने का सिर्फ मिशन है अभियान है कल तो जिस तरीके से हरियाणा चुनाव जो परिणाम उस पर तो राहुल गांधी ने कहा है हम हरियाणा के अप्रत्याशित परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में शिकायत ये, ये लोग संविधान और संवैधानिक संस्था का हमेशा अपमान करने वाली सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जमींदारी मानसिकता को बढ़ाने के लिए हमेशा जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा विरोध करेंगे भरम फैलाएंगे जब पक्ष में आएगा तो ढोल बजाएंगे ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है राहुल गांधी जी राजनीतिक और परिपक्वता से बाहर निकले संवैधानिक संस्था का सम्मान करें और संविधान पर विश्वास करें लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना उसको लेकर तो क्योंकि अब उनके सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर स्वार्थ और भ्रष्टाचार की जामात सफलता नहीं प्राप्त करती है ये लोग अपने अपने स्वार्थ और मिशन को हिडन एजेंडा को लागू करने और अपने भ्रष्टाचार से अकुश संपत्ति को छुपाने बचाने के लिए आए थे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा राष्ट्र का अहित नहीं होने देंगे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे घबराहट में है परेशान है मिशन सफल नहीं हो रहा है इसलिए आपस में ये लोग उलझ रहे